नमस्कार मेरे सब साथियों संगीत प्रेमियों, मैं आज एक नया अनूठा प्रयोग करने जा रहा हूँ और ये प्रयोग है कंपोजिशन बेस्ड ऑन माय अनाहत बीट्स जो मैं महसूस करता हूँ। और दिल की धड़कन होती है उसी के ऊपर सुपरइम्पोज होता है बाकी ठीक है छह मात्रे का धा धिन धा धा धिन ता धा दे ना दी ना का दी ना दी दिन ना दी ना दी ना दी ना दी दी ना दी ना दी दी ना दिन दिन धागे तक तू ना कत्ता धागे तक धी ना धागे ना धागे तेरा किटा ताके ना ताके तेरा किटा। तो ये बेस जो दिल की धड़कन है इसी को अपने मैनिफेस्ट करना है नोटेशंस में म्यूजिकल फॉर्म में। और सुर और ताल इसका समागम होता है संगीत म्यूजिकल एक्सप्रेशंस। तो ये जो धड़कन है ये जान है और इसी से हमारे इमोशंस निकलते हैं और इमोशंस के शेड से रिदम अफेक्ट होता है। देखिए दिल और दिमाग का रिश्ता तो वो अलग फील्ड है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बचपन से तबला सीखा हूँ और इसका जो बेस मेरा बनाया है हमारे धंतोली हमारे जोशीवाड़ा के ऑल इंडिया रेडियो के ए ग्रेड आर्टिस्ट वोकलिस्ट श्री बलवंतराव उलहटकर उन्होंने मेरा ठेका मजबूत किया। उसके बाद बनारस घराने के नीलकंठराव मूर्ते सर ने मेरे को विशारद तक तबला सोलो सिखाया जिसमें मैं सोलो बजाता था। फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग अकंपनिंग के साथ साथ एक स्पेशल आर्ट में अभी आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ सेल्फ अकंपनिंग इस पर भी मैंने काम किया। बट आज मैं अपनी कंपोजिशन आपको सुना रहा हूँ ऑफ ए लवली गजल बाय सुरेश भट्ट जो हमारे नागपुर में ही हमारे धंतोली में रहते थे और लूना पे जाते थे तो हम देखते थे बचपन में तो 8-10 साल के थे हम तब। ये यादें मेरी ताज़ा है। बाद में जब अंतरंग एल्बम बनी तो उनके 8 गजल सुरेश वाडकर जी ने गाए हुए अफलातून गजल उसका एक गजल मैंने चूज किया है पहाटे पहाटे मलादा गाली जो ओरिजिनल कहवा के लिए उन्होंने और मैं इसको दादरा में उतने ही रोमांटिक फीलिंग्स के साथ मैंने कंपोज करने की कोशिश की है। भूल चुक माफ़ करिए बिकॉज मेरे को मल्टीटास्किंग करना है बट कंसेप्ट को समझिए। तो दादरा जनरली होता है आपके पहलू में आकर रो दिए ऐसे सैड इमोशन जगजीत सिंह के जो तराहिये वाले फीलिंग्स जो कि दिल को छू लेते हैं ऐसा दादरा का ज़्यादा ये प्रचलन है। और कहरवाइज धंग तकड़ नगाड़े वगैरह बजते हैं ढोल बजते हैं ढोल बाजे तो ये एनर्जी होता है कहरवा में जिसको लक्ष्मी प्यारे भाई ने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। बट मैंने दादरा को एनर्जी दे के मतलब इमोशंस को और एग्जैम्पलीफाई होगा इसका ख्याल रखते हुए ये कंपोजिशन की है। आनंद लीजिए और ज़रूर फीडबैक मेरे को दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करके आई विल शेयर द यूट्यूब चैनल विद यू। बाहर को किला कुकू कर रही है और इसी से चर्पिंग से मैं उठता हूँ। 3 महीने से मैं बर्ड्स पैराडाइज में था कैंटोनमेंट एरिया पुणे में सुबह सुबह कोकिला की चर्पिंग और चर्पिंग्स ऑफ सो मेनी बर्ड्स बाय भारद्वाज वेरी रिदमिक एंड वेरी ब्यूटीफुल चर्पिंग्स दे डू यू कैन एनालाइज देम एंड दैट इज वेयर वी लर्न द म्यूजिक दैट इज वेयर वी लव ये जो है वो बर्ड्स से ही हमको मिला है। लव बर्ड जिसको बोलते हैं जोड़ियों में घूमते हैं स्वच्छंद घूमते हैं उड़ान भरते हैं। तो एनीवे वो इंस्पिरेशन के साथ साथ मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपना गज़ल अपना कंपोजिशन सेल्फ कंपनी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा इंटरलूड भी बनाया प्रीलूड भी बनाए हूँ इंटरलूड में मैं फिलर बिट्स डालने की कोशिश करूँगा। पहाटे पहाटे मला
मला जाग आली। Hey.